start. So hello guys, here we are again with another tournament right in Ascent map. Let's see, our defending team is Essex Squad, जो कि अब है Vault Fraction Race, और हमारी attacking team है वो है LTR. Let's see क्या होता है इस match में. So मेरे साथ जो है वो है Mad Cookie. So Cookie, after very long time आप casting में क्या कहना चाहोगे बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, it's good to be back. उससे भी ज़्यादा exciting लग रहा है ये match जो Vault Ace और LTR के बीच होने वाला है. This is going to be really exciting. हमारे डिफेंस में Vault Ace है एंड अटैक में LTR है, दोनों ही टीम कमाल की है, तो ये जो गेम Ascent मैप पे होने वाला है जो इतना फेवरेट है लोगों का, वो बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग होगा. लेट्स सी अटैक जीतती है ये फर्स्ट राउंड या डिफेंस. और दोनों ही एरिया में सोवा के रेकिन डार्ट्स पहुंचे हैं, एक अटैक की तरफ दूसरा डिफेंस की तरफ, देखते हैं कि कौन पहले डिटेक्ट करके फर्स्ट किल लेता है. ये फर्स्ट ब्लड वाला जो रहता है ना ऑप्शन कि फर्स्ट ब्लड कौन लेता है टीम में, ये बड़ा एक्साइटिंग माहौल पैदा करता है. क्यों कहते हो जेरी? फर्स्ट ब्लड बहुत जनरली जो सबसे पहले पुश करके ले लेता है बहुत मजेदार रहता है. क्योंकि फर्स्ट ब्लड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास होता है टीम के लिए, क्योंकि एक साइट क्लियर करने के लिए फर्स्ट ब्लड तो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. बट यहाँ पे दोनों ही टीम में एक एक चले गए. अब जो राउंड है वो इक्वल है, बट जो हमारे अटैकिंग टीम के ब्रिम है वो ऑलरेडी 50 एचपी है, एंड हमारे जो अटैकर साइड्स के प्लेयर हैं वो रोटेट कर रहे हैं. फर्स्ट वो ए साइड जाना चाह रहे थे, बट रोटेट करके वो बी साइड जा रहे हैं. एंड जेट जो हमारी है क्रूशियल, उन्होंने हमारे एक्सक्यूएफ ओपीएम का किल ले लिया है. एंड एक्सक्यूएफ ओपीएम जो है हमारे बहुत ही बढ़िया ऑपरेटर चलाते हैं, क्या ही बताएं उनके, क्या ही कहने हैं ओपीएम के. लेट्स सी क्या होता है. एंड और सिर्फ बचे हैं ब्रीच, एंड दैट्स वन ब्यूटीफुल शॉट बाय ब्रीच. उन्होंने सोवा को जो डाउन किया और ब्रिमस्टोन को, दो एजेंट्स बचे हैं, देखते हैं कौन किसके ऊपर हावी होता है. जेट को उन्होंने डिटेक्ट कर दिया, व्हाट अ हेडशॉट, एंड जेट इज डाउन. तुम्हें क्या लगता है, किलजॉय बचेगी कि पिटेगी? Oh my God, ब्रीच ने जो खेला है कुकी कसम से, 4v1 का सिचुएशन था. उन्होंने जो फर्स्ट टू पिक्स लिए वो इतने इंस्टेंट क्लिक शॉट्स थे उनके, एंड लास्ट में उन्होंने जेट को भी टेक डाउन किया जबकि उनकी हेल्थ इतनी लो थी. बस वो टारगेट जो था वो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत दे गया, जैसे कि हमें पता है कि एसेंट में टारगेट बहुत ही ज्यादा किल्स लेते हैं, बहुत और लास्ट बार भी हमने देखा था टारगेट ने बहुत ज्यादा इशू किया था. एंड अगेन हमें सुनने को आ रहा है टारगेट आउट, जो हमारी डिफेंडिंग टीम की किल जो है उन्होंने अपने टारगेट लगा लिया है. सो लेट्स सी क्या होता है. जो फर्स्ट राउंड है हमारा वो हमारी एलटीआर के हाथ में क्या है, लेट्स सी एसएक्सक्यू क्या करती है, जो कि हमारी अब नाम चेंज कर चुका है हमारी टीम का, जो कि है वर्ल्ड फिक्शन एस. सो हम इसे VA कहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नाम जो है वर्ल्ड फिक्शन का बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बाकी जो नाम है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में. और ये रहा हजार का फर्स्ट शॉट, सौर को उन्होंने कर दिया है डाउन. ओमेन डाउन है डिफेंडिंग साइड में. जेरी क्या कहते हो, ये फर्स्ट ब्लड वाला एक्शन सीक्वेंस जो हमने देखा है, जिसकी वजह से अभी अटैकर पोजीशन बिल्कुल ए साइड में घुस गए. एंड देयर यू सी इट, थ्री एजेंट्स ऑलरेडी डाउन और ये बचे सिर्फ तीन एजेंट ऑन बोथ द साइड. ब्रिमस्टोन ऑलरेडी प्लांटिंग ऑन साइट है. तुम्हें क्या लगता है, डिफेंस रीटेक कर पाएंगे मैप को, कंसीडरिंग अटैकर्स ने जो पहला चांस लिया था फर्स्ट राउंड में वो बहुत ही बेहतरीन था. उन्होंने एक एक एजेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से डाउन करके वो राउंड अपने लिए कर लिया था. एंड एज वी कैन सी जेट ने स्क्रॉच को डाउन कर दिया, शिनिगामी ने ओपीएम को और इसका बॉन को, एंड अटैकर्स एज यूजुअल लास्ट किल तो उन्हीं ने ले लिया और अटैकर्स ने बहुत इजीली राउंड जीत लिया. बट जहां तक अभी हमने देखा कि जो डिफेंस में एसएक्स क्यू उनका जो था वो इको राउंड था, उन्होंने बिल्कुल कुछ बाय नहीं किया था. जो हमारी अटैकिंग टीम थी वो ऑलरेडी बाय पे थी, सो उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया. उन्होंने थ्री प्लेयर्स को टेक डाउन किया एंड इको उन्होंने डाउन किया, जो कि अच्छा था. अब लेट्स सी क्या होता है, और एसएक्स क्यू का हमने गेम प्ले ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. सो लेट्स सी क्या होता है इस राउंड में. एंड अगेन वो ए पुश कर रही है, मे बी जो हमारी एलटीआर है उनका ए साइड ज्यादा अच्छा है. व्हाट यू से, ये बात सही है, दोनों ही राउंड में उन्होंने
कोशिश की कि वो एटलीस्ट ए पहले पुश करें एंड लास्ट टाइम वो रोटेट करें. लाइक सी अभी उन्होंने डिसाइड किया शायद वो रोटेट लेके मिड पुश करेंगे. इनिशियली उनका डिसीजन एक ही तरफ था, बट आई थिंक दिस टाइम दे आर ट्राइंग टू होल्ड मिड एंड देन पुश टू साइट ए थ्रू द ट्री. एंड वी कैन सी हजार्ड ऑलमोस्ट प्लेइंग अ कैच गेम विद सोवा टेकिंग हिम डाउन ऑन साइट बी. दो एजेंट ऑलरेडी डिफेंडर्स में डाउन हो चुके हैं, अटैकर्स में अभी भी 5 एजेंट है और उनका थोड़ा पड़ा भारी है. एंड एक ही एजेंट लेफ्ट ऑन द डिफेंडर साइड. अटैकर्स की किल जॉय ने अपना लॉकडाउन प्लेस कर दिया है. इसका बॉन की हालत थोड़ी खराब होने वाली है अभी, बिकॉज 4 एजेंट्स या तो उन्हें बहुत बुरी तरह ढूंढ के हंट करेंगे या तो वो अपना वेपन सेव करके ये राउंड बच जाएंगे. जो है ना जो अल्ट की है सिनेगामी ने, जो हमारे एटीके टीम के किल्जो है, क्या लगता है उन्होंने अपनी अल्ट वेस्ट कर दी 4v1 के सिचुएशन में या फिर सही किया अल्ट करके? देखो अल्ट का तो वो किल्जो ही जाने कि उन्होंने वेस्ट क्या किया, बट एक एजेंट के लिए अल्ट का यूसेज थोड़ा अनस्टेबल सिचुएशन है, कह नहीं सकते क्योंकि मे बी कई बार एजेंट्स क्लच कर जाते हैं एंड यू आर जस्ट लेफ्ट ऑन योर एबिलिटीज. तो क्लच करने की सिचुएशन आ जाए इससे अच्छा है कि यूज कर दो अल्ट. कौन सा लेके जाना है नेक्स्ट राउंड, बिकॉज बाकी एजेंट्स की भी तो एबिलिटीज अवेलेबल है. तो आई थिंक इट्स अप टू द चॉइस ऑफ व्हाट यू वांट टू यूज ऑन द राउंड दैट यू हैव एट हैंड. आई थिंक वही डिसीजन शायद किलजॉय ने लिया होगा. हमारे अटैकर टीम के प्लेयर्स हैं वो किलजॉय को एकदम पूरी तरीके से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो सेव करे. एंड लेट्स सी, बहुत ही स्मूथली अटैकर्स ने ये भी राउंड निकाल लिया. चलिए हम देखते हैं, क्रूशियल राउंड रहते हैं फर्स्ट 3 राउंड्स, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी डिसाइड करते हैं कि आपकी आगे के राउंड्स की इकोनॉमी कितनी अच्छी या खराब होने वाली है. एंड राइट नाउ मैन पावर तो क्या उनके इकोनॉमी भी अटैकर साइड में बहुत ज़बरदस्त है. तुम्हें क्या लगता है कि वोल्ट फ्रैक्शन जो अभी डिफेंड में है उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? बिकॉज अगर थोड़ी सी भी उन्होंने एक और गलती की या एक भी राउंड अभी मिस किया तो उनके लिए बहुत भारी हो सकता है. वो तो बिल्कुल है ही ऑब्वियस, क्योंकि एंड अगेन वो इको पे है, उन्होंने लाइट बाय किया है शेरिफ्स वगैरह एंड स्पेक्टर पे है वो. बट हमने लास्ट बार भी देखा था जब वो इको पे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके सामने वाली टीम का इको डाउन किया था. लेट्स सी इस बार वो क्या करते हैं. एंड ऑलरेडी उनका एक प्लेयर टेक डाउन हो चुका है, 4v5 का सिचुएशन है एंड ऑलरेडी प्लेयर्स भी लोन है और जो हमारी बाकी दो प्लेयर्स की चेरी जो बहुत ही घातक साबित की है डिफेंडर्स के लिए, कंसीडरिंग कि रेज ऑलमोस्ट यू कैन सी ओपीएम उनके टारगेट बनने ही वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रेज ने उसी वक्त अपनी पोजीशन बदल ली. अटैकर्स ने डिसाइड किया है कि वो ए पुश कर देंगे एंड दे हैव ऑलरेडी पुश्ड ऑन साइट. स्पाइक हो रहा है प्लांट अगेन बाय स्क्रॉच. उन्होंने जैसे जिम्मा ले लिया है कि मैं ही करूंगा स्पाइक प्लांट एंड वी कैन सी 2 एजेंट्स आर लेफ्ट ऑन द डिफेंडर साइड. तुम्हें क्या लगता है क्या क्लच हो पाएगा डिफेंडर्स के द्वारा? नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं. एंड मैं पहली बार देख रहा हूँ एसएक्स की को जो इतना अच्छा कंपटीशन दे रही है सामने वाली टीम. एंड ऑलरेडी 0-4 का स्कोर चल रहा है, एसएक्स की का कोई भी तक राउंड नहीं निकला है. लेट्स सी क्या होता है. एंड हमारे जो शिनिगामी है सेंटिनल अच्छा परफॉर्म करा रहे हैं, ओपनिंग दिला रहे हैं. लास्ट बार भी हमने जो मैच हुआ था परसों के दिन उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारी सेंटिनल सेज थी वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी. आजकल सेंटिनल्स लाइक अरे फुल टू ड्यूलिस्ट बन गए हैं जेरी. सेंटिनल तो बोलना ही छोड़ दो उनको, दे आर लाइक किल मशीन्स. वो इतने जल्दी साइट एंटर करते हैं कि वो ड्यूलिस्ट को भी पीछे छोड़ देते हैं. And as we can see, Jett ने ले लिए साइट ए पे एंट्री. What a dash! But Shinigami ने जो रीटेक में किल लिए हैं, मजा ही आ गया देखते हुए. And this time पासा पलट गया. Attackers में सिर्फ एक एजेंट लेफ्ट एंड डिफेंडर्स में 4 बाकी. क्या कहते हो जेरी, अब तो डिफेंडर्स जीतेंगे ही ये राउंड? हो सकता है क्योंकि हमारी रेस के पास अल्ट है और हम जानते हैं कि रेस की एक अल्ट से पूरी टीम टेक डाउन हो सकती है. बट नहीं ओपीएन ने तो कमाल दिखा दिया. उन्होंने ओपी परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने
जेट रेस को डायरेक्ट कैटवॉक के एंटर के ही पॉइंट पे किल कर दिया एंड वो राउंड जीत गए अपनी टीम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा हुआ उनके लिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी था कि एटलीस्ट एक राउंड डिफेंडर्स जीत जाएं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी थी। राइट नाउ दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज कि ये राउंड एटलीस्ट वो फुल शील्ड और फुल बाय के साथ खेल सकें। मैं तो हो गई अभी हाल फिलहाल ओपीएम के ऑपरेटर का वेट कर रहा हूँ। जब ओपीएम की इकोनॉमी स्टेबल होगी प्रोबेबली वो ऑपरेटर पर स्विच करेंगे, व्हाट यू से? बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हुई और जो ऑपरेटर में स्विच हुआ उसके बाद तो जो टीम्स की हालत पतली होने वाली है वो तो देखते ही बनेगा, क्योंकि एक बार ऑपरेटर आई हाथ में उसके बाद जो डर समाता है टीम में वो देखने लायक होता है। एंड एज वी कैन सी क्रूशियल ऑलमोस्ट साइड बी पे पुश करने की सोच रहे हैं बाय, और बाकी की टीम मिड मार्केट को मैनेज करने की कोशिश में है। डू यू थिंक इस बार भी वो कैटवॉक से साइड ए को पुश करेंगे? एंड एज यू कैन सी हजार्ड ऑल एज ऑलवेज फर्स्ट किल लेने की फिराक में, बट ओपीएम ने उन्हें फिर डाउन कर दिया। इट्स लाइक अब हो गए सारे तुम्हारे किल्स, अब हो गई मेरी बारी। तुमने देखा हो तो जो बी साइड पे था हमारे क्रूशियल ऑलमोस्ट किलजॉय को टेक डाउन करने वाले थे एंड किलजॉय भी उन्हें स्पॉट करने वाली थी, बट किलजॉय का एकदम से जो है वो मिड की तरफ ध्यान गया एंड क्रूशियल ने एंट्री कर दी अंदर थ्रू द स्मोक, सामने उन्होंने स्मोक किया, उन्होंने अटैकर्स किलजॉय का जो अलार्म बॉट और वो ट्रिगर करके नैनो स्वॉर्म वहां से हटाया है, वो बहुत ही स्मार्टली किया उन्होंने। एटलीस्ट उन्होंने अटैकर्स को साइट एंट्री दे दी है, स्पाइक हो गया है प्लांट, बट ये आया हंटर्स फ्यूरी और किया उन फ्लैबी ईगल ने है वो इसको डाउन, उन्होंने सामने वाले सोवा को ले लिया है। अब बची है सिर्फ दो एजेंट्स, बट डिफेंडर्स साइड ने जो टाइम के साथ खेला है और ये जो जीता है राउंड बहुत ही अमेजिंग। जेरी क्या कहते हो, जो अभी गेम प्ले चेंज हुआ है डिफेंडर्स का, क्या कहना है इस बारे में? थोड़ा अब हमारी जो है हमारी टीम SXQ वापस परफॉर्म कर रही है एंड कुछ नया देखने को मिल रहा है OPM की जगह। हमारे जो नए प्लेयर है शोर, उनके हाथ में ऑपरेटर है, व्हाट यू से क्योंकि क्या होगा अब इसका, कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने मिलेगा। OPM ने हजार्ड को फिर से डाउन किया है, अटैकर्स की पुश इस बार ए साइड पे, पर ये आता है ब्रीच का अल्ट का यूज बट अनफॉर्चुनेटली जो क्रूशियल की पुश आने वाली है अभी वो शायद ब्रीच के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि क्रूशियल का एम बहुत ही बेहतरीन है। अनफॉर्चुनेटली OPM ने क्रूशियल को डाउन कर दिया, जो अभी डिफेंडर्स के लिए अब मैन पावर ज़्यादा हो गई और अटैकर्स की कम। हमारे जो लोकल आईडी है कमेंट सेक्शन में वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुकी के, आप प्लीज थोड़ा सा स्विच कम करें प्लेयर को। डेफिनेटली एक्चुअली सॉरी टू से लोकल आईडी, द प्रॉब्लम इज दैट कि हम जब प्लेयर्स को सस्पेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं, तो कई बार हमें बहुत क्विकली स्विच करना पड़ता है, बट विल ट्राई टू कीप दैट इन माइंड। हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको एकदम स्टेबल स्ट्रीम दिखाएं, बट एज वी कैन सी राइट नाउ जो सौर ऑपरेटर के साथ एकदम घात लगाए बैठे हैं कि उन्हें कोई तो एजेंट दिखे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम हिम कोई भी एजेंट उस लोकेशन में अभी तो आने से रहा। अटैकर्स ने डिसाइड किया है कि वो साइड बी को पुश करेंगे, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? टाइम बहुत कम है, क्लॉक हो रहा है, ठीक, क्या अटैकर्स पहुंच पाएंगे साइड बी में प्लांट के करने के लिए? नहीं नहीं हो पाएगा प्लांट, एंड हमारे जो किल जो है वो ऑलरेडी मार्केट साइड पे है, तो वो भी एटलीस्ट 5 या 10 सेकंड हमारे अटैकर साइड का लेंगे एंड वो लोग अब सेव करना प्रिफर कर रहे हैं। एंड अगेन एक राउंड हमारी SXQ के हाथ में हो गया है। जेरी तुमने दो राउंड से देखा है डिफेंडर्स ने बहुत ही अच्छा टाइम प्ले किया है, उन्होंने अटैकर्स को साइड की एंट्री भी देने मिल भी गई, पर भी उन्होंने टाइम के साथ जो खेला है ना अटैकर्स के साथ, उन्होंने ये दो राउंड सिर्फ टाइम के बेसिस पे जीता है। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ क्लॉक है, क्यों? मेरे को ऐसा लगता है कुकी के जो हमारी
वॉल फ्रिक्शन है वो है ना, अटैकर्स का जो स्ट्रेटेजी है वो समझ चुकी है, क्योंकि हर बार वो ए साइड आते हैं एंड बैक ऑफ होके वो बी पे प्लांट करते हैं, बट इस बार वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, वो 5 मैन रश कर रहे हैं बी साइड पे, एंड लेट्स सी इस बार क्या होता है। जेट इन एंड लॉकडाउन आ चुका है हमारी किल जॉय का, एंड थोड़ी देर पुश रुकेगा और हमारी रेज अल्ट एक्टिवेट करके आई। बट उसके पहले ही क्रूशियल ने फ्लैबी गर्ल को डाउन कर दिया और शूव स्टार ने हैजार्ड को, शिनिगामी ने किया है स्पाइक प्लांट। इस 3 vs 4 अटैकर्स में 4 एजेंट्स वाइल ओनली 3 ऑन द डिफेंडर्स, बट वो तीनों बहुत ही बेहतरीन एजेंट्स हैं। ओमेन ब्रीच और किलजॉय का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली साबित हो सकता है। एंड हियर कम्स अ ब्रीच फ्लैश एंड एज वी कैन सी उसी के सहारे किलजॉय पुश करने की कोशिश तो करी बट नैनो स्वॉर्म ने उन्हें रोक दिया है। तो मेरे क्या लगता है ब्रीच का किल शिनिगामी लेगा कि शूवस्टार ने पहले शिनिगामी को डाउन कर दिया। ये आया सोर का ऑपरेटर शॉट बट टाइम बहुत ही कम, डिफेंडर्स इस राउंड को नहीं कर पाएंगे डिफेंड। बहुत ही अच्छा पुश ट्राई किया हमारी डिफेंडर्स ने, बट हमारी जो अटैकर टीम थी वो अच्छी तरह से स्टैक और उन्हें तोड़ना मुश्किल रहा, और इनफ टाइम ना होने के कारण एक राउंड और हमारी अटैकर टीम के हाथ में। बाकी बढ़िया स्कोर चल रहा है, 3-5 का ज्यादा लीड नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। ये गैप कवर करना उतना नामुमकिन नहीं है, बहुत इजी है अगर टीम प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से करे, कोऑर्डिनेशन वेल मैनेज्ड हो तो ये बहुत ही आराम से निकाल सकती है। गाइस अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो एएक्सक्यू कोई और नहीं, वोल्ट फ्रैक्शन एसी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस अगर हम एएक्सक्यू बोलते हैं, बट वो टीम अब वोल्ट फ्रैक्शन के अंडर आ गई है। सो गाइस बी अश्योर्ड कि हम एजेंट्स या उनके टीम के नाम गलत नहीं ले रहे हैं। एंड सेकेंडली अब होने वाला है मिड पुश, कंसिडरेबली मिड अटैक की पोजीशन से स्विच करते हुए अटैकर्स अब ए साइड के आने की फिराक में, बट एक एजेंट लेफ्ट, डू यू थिंक ओपीएम ये क्लच कर पाएंगे? नहीं। श्रूव स्टार के निशाने में आ तो गए थे स्क्रॉच पर, श्रूव स्टार को जो स्क्रॉच ने डाउन किया, डू यू थिंक कि जेरी 3 एजेंट क्लच हो पाएगा स्क्रॉच से? रिलोड एंड फ्लैबी ईगल ने पूरी तरह फ्लैबी ईगल के द्वारा मर गए। या थैंक्स जेरी, कंसिडरिंग अभी हजार्ड के पास आ गई है मार्शल, तुम्हें क्या लगता है इस राउंड में हम क्या हेडशॉट्स पे हेडशॉट्स देखेंगे? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उनको सबसे इरिटेटिंग गन मार्शल लगती है टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो कैसे लोग उसे हेड कनेक्ट कर देते हैं, बट ओपीएम जो है हमारे ऑपरेटर तो ठीक ठीक, वो फैंटम भी इतनी परफेक्टली चला रहे हैं। मार्शल के शॉट साउंड्स तो आ रहे हैं पर किल अभी आई नहीं है, एक एजेंट डाउन हो चुका है अटैकर्स में। शिनिगामी इज ट्राइंग टू पुश टुवर्ड्स ए, इस बार नो मिड मार्केट, नो कैटवॉक, डायरेक्ट साइट ए पे एंट्री होने वाली है। किलजॉय का टरेट प्लेस्ड बट इस बार स्लो पुश है जेरी, नो फास्ट पुश, एंड शूस्टार ने स्ट्रॉच को फिर से डाउन कर दिया है। फास्ट पुश वो कर भी नहीं सकते थे ना क्योंकि उनका सुपर डाउन है। क्रूशियल का मार्शल से जो शॉट पर है शूस्टार को, अमेजिंग, बट एक एजेंट लेफ्ट, आई थिंक वो एजेंट थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, ये नेटवर्क इशू सोवा के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कौन उन्हें पहले डिटेक्ट करेगा और पहले किल उसे मिलने वाली है? ओमेन आया और ये पड़ा सोर का शॉट एंड डिफेंडर्स ने राउंड जीत लिया।
थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू। जेरी तुम्हें क्या लगता है कि जो अनफॉर्चुनेटली हमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ये नेटवर्क इश्यूज आते हैं, ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही सैड मोमेंट हो जाते हैं क्योंकि हम ना गेम को रोक पाते हैं, वी ट्राई टू स्टॉप देम बट कर भी क्या सकते हैं। डू यू थिंक इस ऐसे मौके पे एटलीस्ट वैलेंट वालों को कोई पॉज देना चाहिए हमें गेम में कि इफ गेम कांट बी रिज्यूम्ड अनलेस द एजेंट इज बैक और वी कैन चेंज समथिंग अबाउट दिस, ये होना चाहिए कुछ। शायद नहीं, क्योंकि अगर मिड राउंड अगर कुछ हो रहा है तो उसमें वैलोरेंट कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि अदर प्लेयर्स का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लाइक अगर मान लीजिए आप और मैं सामने हैं और आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है चेरी, पॉज कर लिया और आप जैसे ही कनेक्ट हो गए आप मुझे कनेक्ट हेड पे कनेक्ट कर दोगे। और इसी पॉज के साथ हम एक और बात मेंशन करना चाहते हैं, दीस टूर्नामेंट्स एंड स्क्रिम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय LFG इंडिया। सो गाइस अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर भी करिए और उसके साथ साथ www.lfginindia.com पे जाइए, उनके एप्लीकेशन को सर्च करिए, देखिए क्या बेहतरीन एप्लीकेशन उन्होंने इंडियन गेमर्स के लिए बनाया है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमें फोरम्स एंड कम्युनिटीज क्रिएट करने दे। एंड यही बोलने के साथ साथ राउंड शुरू हो चुका है, द राउंड हैज रिज्यूम्ड। जेरी हेल्थ हो गई है शिनिगामी की, डाउन एंट्री होने वाली है इस बार साइड बी में। ये जो चेंज आया है साइड ए से इस बार अटैकर्स का साइड बी पे, क्या इस बार या तो अटैकर्स ही देगी क्योंकि दोनों के पास सिमिलर पॉइंट्स है, 5 points on both sides. तुम्हें क्या लगता है? Attackers का ये decision on switching sides will work in their favor? नहीं नहीं. Or not? You should run. या मैं पता है हमारी जो attacker team है वो बहुत fast rotation देती है और मेरे को लगता है कि वापस वो rotation देगी, पूरी team को यहाँ पे पहले बुलाएगी और rotation देगी, but नहीं, इस बार entry करी उन्होंने and उनकी jet takedown हुई और हमारी kill जो है affected हो गई है KJ की अल्ट से एंड 3v2 का सिचुएशन है, एकदम से पूरा मैच चेंज कर दिया है मेरा अटैकिंग टीम ने। एंड रेस का एकदम प्यारा सा नेड ब्रीच के ऊपर, ब्रीच ऑलरेडी 50 HP है और हमारे ब्रीच टेक डाउन एंड लेट्स सी OPM क्या करते हैं। दो एजेंट को क्लच करना है OPM को और पॉसिबिलिटी है क्योंकि OPM के एम्स बहुत ही परफेक्ट है। अगर उन्होंने अभी ब्लेड स्टॉर्म के साथ ब्रिमस्टोन को पहले डाउन किया तो that will work in his favor, but उनकी हेल्थ अब हो गई येलो, इंसिनरी का थोड़ा जो इफेक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ा है वो बहुत ही हैवी होने वाला है क्योंकि ब्रिमस्टोन फुल हेल्थ पे है। ब्रिमस्टोन ने जेट को कर लिया डिटेक्ट और क्या शॉट स्क्रॉच का एंड बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले बाय ब्रिमस्टोन, उन्होंने अपने टीम के लिए ये राउंड जीत लिया। ये क्या लगता है अगर हमारे जो OPM अगर 50 HP होते तो क्या वो क्लच हो जाता, क्योंकि जो नजर आया उससे ये नजर आया कि सिर्फ ब्रीम की जो थी एक बुलेट कनेक्ट हुई हमारे OPM को और OPM ऑलरेडी 3 HP है, सो इस कारण वो टेक डाउन हुए। अगर मुझे लगता है अगर वो 50 HP होते हैं तो शायद ये कुछ और सिनेरियो बन जाता। व्हाट यू से? बिल्कुल सही जेरी, हेल्थ का जो इशू आया है जेट को वो उनके लिए बहुत ही डेडली साबित हुआ, अगर वो सिर्फ वो मॉली से बच जाते तो शायद वो ब्रिमस्टोन को भी टेक डाउन कर लेते। फाइव वी सिक्स का सिचुएशन चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है, क्या हमारी SSQ एक और राउंड निकाल पाएगी, इस चीज को इक्वल करेगी और सेकंड हाफ में कुछ अच्छा परफॉर्म करके ये मैच निकाल पाएगी या NTR ऐसे ही परफॉर्म करते हुए हमारी SSQ को हरा देगी। व्हाट यू से? कुछ भी हो सकता है जेरी, बिकॉज़ हमने बहुत ही अजीबोगरीब गेम प्ले देखे हैं, इतने फैंटास्टिक कमबैक्स भी देखे हैं कि कुछ भी कहना अभी बिल्कुल सही नहीं होगा। एक एजेंट डाउन हो चुका है डिफेंडर्स में, सोवा की एब्सेंस बहुत ही भारी पड़ने वाली है एंड सो इज गोइंग टू बी ओमेंस एब्सेंस, बट राइट नाउ हमारे पास 4v वर्सेस 4v3 की सिचुएशन है एंड 3v3 की सिचुएशन OPM ने कर दी है, जेट को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है बट क्रूशियल का शॉट मिस होने पे शिनिगामी ने एटलीस्ट उनका वो टेक कर लिया एंड वी हैव अ 2v3 सिचुएशन, 2 ऑन डिफेंडर साइड। तुम्हें क्या लगता है? अटैकर साइड ए एंटर कर चुके हैं, वो स्पाइक प्लांट के लिए जा ही रहे हैं,
डिफेंडर सही वक्त पे पहुंच पाएंगे कि स्पाइक प्लान होने के बाद सिर्फ उनको रीटेक करने आना पड़ेगा। आई थिंक वो रीटेक पे ही खेलेंगे और हमारे ब्रिज के पास जो है वो अल्ट है तो शायद कुछ हो सकता है, शायद ये राउंड निकल जाए। शिनेगामी का जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा जा रहा है, शिनेगामी गेम सेंस उनका कितना स्मूथ और इतना क्लीन है, उन्हें पता होता है कि बंदा कहाँ से आ रहा है, प्लेयर कहाँ से आ रहा है। उन्होंने अपना जो अलार्म बोर्ड था वो मार्केट में डाउन साइड लगाया और खुद विंडो में जाकर बैठे हुए थे और उन्हें पता था अगर मार्केट से कोई आता है तो उनका अलार्म बोर्ड उसे डिटेक्ट कर लेगा और अगर ऊपर से कोई आ रहा है तो ऊपर के लिए वो ऑलरेडी है ही। बट बहुत बार होता है placing swarm grenade yeah and second half jo hai wo start ho chuka hai 5-7 ka score chal raha hai let's see hamari sxq world friction ab kya karti hai kya wo attacking side mein zyada acha perform karegi comparing to defending dekho kya hota hai kuch bhi ho sakta hai defense mein thoda jo unhe problem aa rahi thi shayad ab attack mein unke liye favorable ho and we can see flabby eagle aur sword ne pehle hi ब्रिमस्टोन और रेस को डाउन कर दिया है। तीन एजेंट ही बचे हैं अब डिफेंस साइड में एंड अटैक में भी बहुत ही जल्दी शिनिगामी ने इसका बॉन को डाउन कर दिया है। 3v3 की सिचुएशन जिसमें दो एजेंट की हेल्थ तो ऑलमोस्ट लो। व्हाट डू यू से जेरी, ये स्पाइक प्लांट हो तो जाएगा साइड बी पे, पर जो पुश आएगी डिफेंस के द्वारा अटैकर्स पे वो बहुत ही घातक होने वाली है। क्योंकि ये पिस्टल राउंड कुछ भी हो सकता है, उन्हें सिर्फ एक हेड कनेक्ट करना है और काम तमाम। लाइक गोस्ट अगर है आपके पास तो काम तमाम हो जाएगा। बट ओपीएम का रोटेशन मार्केट से 2v2 का सिचुएशन, शिनेगामी ने एक प्लेयर को टेक डाउन किया और 2v1 ऑन साइट। अब ओपीएम अकेले बचे हुए हैं एंड ओपीएम ऑलरेडी लो ऑन हेल्थ है और टैरेट ने भी उन्हें हेल्थ डाउन की उनकी। बट ओ नो, डिफ्यूज सक्सेसफुल हो चुका और क्रूशियल ने उनका किल भी ले लिया। बट नाइस ट्राई बाय ओपीएम एंड वेल प्लेड बाय शिनेगामी जो एंट्री उन्होंने दिलाई साइट पे। जेरी तुम अगर स्कोर बोर्ड को देखो तो ओपीएम 19 किल्स पे बैठे हुए हैं और शिनेगामी 13 पे। ये जो डिफरेंस है किल्स का, ओपीएम तो लाइक रॉकस्टार किलर बने हुए बैठे हैं, उन्होंने तो टॉप फ्रैगिंग लेने का एकदम जिम्मा ठान लिया है कि अब तो अटैकर्स में मैं ही टॉप फ्रैग करूंगा। एंड वी कैन सी 8 पॉइंट्स फॉर एलटीआर। अगर वुल्फ फ्रैक्शन ने अभी कुछ कमाल नहीं दिखाया तो उनके लिए ये गैप इंक्रीज होने ही वाला है। एंड क्रूशियल ने ओपीएम को डाउन कर दिया। चलो टॉप फ्रैगर हुआ है डाउन तो अब अटैकर्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा एंट्री पुश करने का। अब देखो क्या होता है इस राउंड में, क्या अटैकर साइड ए एंटर कर पाएंगे और स्पाइक प्लांट तो बहुत ही दूर की बात हो जाएगी अगर नहीं हो पाया घर के टाइम पे। वो फ्रेगर तो ठीक है हमारे ओपीएम में, बट अगर हम क्लचर में काउंट करें तो हमारे शिनेगामी टॉप पे होंगे क्योंकि उनकी सिर्फ 7 डेथ है और जितनी बार भी क्लच हुआ है उनमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे शिनेगामी का था। और शिनेगामी इतना स्मूथली साइट होल्ड कर रहे हैं, उनकी साइट पर भी कोई भी एंटर नहीं कर पाया है, बल्कि उनके प्लेयर्स जो है वो पुश के दौरान मरे गए हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, 3v2 का सिचुएशन है, ब्रीच और किल जो है हमारे बाकी है और अभी वो रोटेशन नहीं दे रहे हैं, अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और ब्रिमस्टोन ने एस्कबोन को डाउन कर दिया, स्पाइक हो गया है डिटेक्टेड एंड ब्रीच को भी उन्होंने डिटेक्ट कर दिया और ब्रिमस्टोन का जो शॉट लगा स्टूप स्टार को, डिफेंडर्स ने ये फिर राउंड जीत लिया। ये गैप इंक्रीज होते जा रही है, जेरी 4 पॉइंट्स अहेड होना बहुत ही बड़ी बात होती है। ये अगर जल्दी से जल्दी ये गैप कवर नहीं किया तो अटैकर्स के लिए सिचुएशन और वर्स होने वाली है। वर्स तो होने वाली है बट हमने देखा है एसएक्सक्यू को इससे बुरे हालातों से निकलते हुए, सो पॉसिबिलिटी है कि वो निकल जाए। बट अभी हाल फिलहाल जो है हमारी एलटीआर लीड कर रही है 4 पॉइंट से, सो लेट्स सी क्या होता है, क्या वो ऐसी परफॉर्म करती रहेगी और आज हमारी एसएक्सक्यू को डिफीट कर देगी। सो देखना रहेगा कौन सी टीम
और अच्छा परफॉर्मेंस दे करके निखर करके आती है आगे। कुछ भी हो सकता है, अभी ज्यादा लीड नहीं है, 5-9 का स्कोर चल रहा है और हमने इससे बड़े बड़े कमबैक देखे हैं, तो कुछ भी अभी हो सकता है। और शिनेगामी जो कि हमारे सेंटिनल है वो अभी भी नहीं मान रहे हैं, किल्स पे किल्स और क्लचेस पे क्लचेस करे जा रहे हैं, बट हमारे शोर ने शिनेगामी को टेक डाउन किया। और 2v4 का सिचुएशन, 1v4 का सिचुएशन, लेट्स सी अब क्या होता है। हमारे शोर अकेले बचे हुए हैं, क्या वो क्लच कर पाएंगे? अगर वो क्लच करते हैं तो उनका एस होगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये स्कोर 5v10 में चेंज हो जाएगा। और नहीं, सौर ने पूरी कोशिश तो की थी, उन्होंने जो विंडो ब्रेक करके जो साउंड दिया है उन्हीं से उनकी सिचुएशन वहीं से खराब हो गई, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लिया ब्रिमस्टोन ने और वही पॉइंट उनके लिए लाइक था एफ्ड अप मोमेंट। तो आई कैन से वो विंडो ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन नहीं था उस मामले में, तो बिल्कुल नहीं। उस पॉइंट में उन्होंने अवॉइड करना था वो विंडो ब्रेक, शायद वो एक दो किल्स ले पाते। बट मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, सिर्फ अब 3 राउंड बचे, क्या कहते हो जेरी, क्या हो पाएगा? वुड फ्रैक्शन को अभी बहुत राउंड्स कवर करने हो गए हैं। हजार जो है वो ब्रिम के स्मोक का इतना परफेक्टली यूटिलाइज करके इतनी क्लोज आ चुके हैं अटैकर्स के, अगर कोई भी अगर आता है तो इजीली टेक डाउन होगा। और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हजार्ड, ओह माय गॉड, हजार्ड मैन क्या करा आपने ये अभी हाल फिलहाल, सेचल का इतना परफेक्ट यूज करके वो स्मोक के थ्रू इतना क्लोज गए एंड उन्होंने 3 प्लेयर को टेक डाउन किया और ये 4v1 का सिचुएशन हो गया है। एंड अगेन हमारी ओपीएम हारती हुई नजर आ रही है, सॉरी SXQ हारती हुई नजर आ रही है, 4v1 का सिचुएशन है। क्या इस बार हमारे ब्रीच क्लच कर पाएंगे? जो अभी 3 एजेंट्स उनके तरफ दौड़ते हुए उनको किल करने आने वाले हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। तुम्हें क्या, मेरे को तो बस ये है कि फर्स्ट किल या तो ब्रिमस्टोन लेंगे या तो किलजॉय लेगी, और श्रूसरा या तो क्लच कर जाएंगे तीनों को। 19 seconds still left on the clock. Killjoy का turret उन्हें detect कर दिया है। या तो अब Killjoy से push आने वाला है सिर्फ उनको kill करने के लिए। And Recon Dart ने उनकी location अभी कर दी है reveal. And here comes the first shot. And Shinigami takes him down. एंड दोज गाइज हु आर वॉचिंग स्ट्रीम, इंस्टाग्राम में हमारा भी एक इवेंट चल रहा है, गेमिंग गॉबलेट्स पिज्जा हंट। तो इफ यू हैवंट चेक इट आउट, डू गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने जेट का वो पिक जो वैलोरेंट में है अभी कहाँ है हम नहीं बताएंगे, यू हैव टू सर्च इट एंड फाइंड इट, क्लिक दैट पिक्चर एंड टैग अस एंड टैग 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप 3 अपने फ्रेंड्स को ट्रैक करिए एंड यू विल गेट अ पिज्जा फ्रॉम गेमिंग गॉबलेट साइड। My ult's not ready. Attackers पूरे साइट ए पे घुस चुके हैं, बट हजार्ड ने जो डाउन किया है फ्लैबी ईगल और स्कॉर्पियन को, सौर का रीटेक हजार्ड को डाउन करना और श्रूस्टा का क्रूशियल को 1v1 की सिचुएशन ले आया है। ब्रिमस्टोन ने स्पाइक प्लांट तो कर दिया है, पर क्या तुम्हें लगता है ब्रिमस्टोन सौर को ले डाउन कर पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली नहीं, सौर ने ब्रिमस्टोन को डाउन कर दिया, स्पाइक भी प्लांट कर दिया, सॉरी टू से आई सेड ब्रिमस्टोन अर्लियर, ओमेन ने जो स्पाइक प्लांट कर दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उन्होंने लास्ट राउंड जो क्लच किया है मजा आ गई देख के।
I think one of our casters is facing an internet issue. Till then, I'll be stepping in. If you can hear me, Mac, okay? Yes, I can hear you, Rift. And so guys, a huge clap right for Rift. वो हमारे साथ कास्ट कर रहे हैं राइट नाउ सबसे ज्यादा टॉप रैक कर रहे हैं ओपीएम एंड राइट बिहाइंड हिम हजार्ड तो द सिचुएशन इज 6-11 राइट नाउ विद स्क्रॉच टेकिंग डाउन सॉर एंड हजार्ड टेकिंग डाउन ओपीएम 4v3 की सिचुएशन विद क्रूशियल टेकिंग डाउन ट्रू स्टार विद द नाइफ क्रूशियल अगेन टेक्स ऑन फ्लैबी ईगल विद जस्ट हिज ब्लेड्स ऑन आउट एंड नाउ इट्स जस्ट वन प्लेयर रिमेनिंग Let's see whether he can clutch this out or not. Escobar took down Hazard and we have a 1v3 situation. Over to you, Riff. Escobar also takes down Shinigami, but again Crucial comes back with his Blade Sound to take down Escobar and that's it for the round. Now we are going for the last round if they take this round so that they can finish the match. That is our LTR team. They have the match point in hand, but nothing can be said in the game of Valorant, as we all know. कभी भी comeback possible हो सकता है, जैसे हमारे जेरी हमेशा कहते हैं, हमने बड़े से बड़े comeback देखे हैं, हमने इतना ज़्यादा overtime में matches जाते हुए देखे हैं कि कुछ भी हम लोग predict नहीं कर सकते. But अभी के हिसाब से LTR is standing at the match point, and the last round may be possible for LTR if they manage to win this is underway. Over to you, Matt Cookie. So to Rift, जो अभी मिड एंट्री होने वाले है वो बताएगी किसके पड़ा भारी होने वाला है अटैकर्स के तीन एजेंट ही बचे हैं एंड स्पाइक डिटेक्ट हो चुका है मिड में है स्पाइक एंड एज वी कैन स्क्रीन ब्रिमस्टोन टुक डाउन शूस्टा बहुत ही क्विक रिटेलिएशन में दो एजेंट्स को डाउन करते हुए डिफेंडर्स ने ये राउंड जीत लिया What a game, well played by LTR. उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से they overpowered the entire match from the beginning. उन्होंने World Fraction को एक भी बार चांस नहीं दिया कि वो गैप को कवर कर सकें जो उन्होंने सेट किया था. After the point was 5-9, वो गैप बढ़ता ही गया. And as we can see, वो गैप बढ़ते बढ़ते 13 पे आ गया. Match point पे आते साथ उन्होंने ये जो गेम जीता है, well commendable. And right we can see Hazard is top fragging with 20 kills and right behind him OPM with 19, Crucial with 16, Sor at 13, Scrotch with 18, Shinigami with 16, Flabby Eagle at 10, Shrewstar at 11, Escobar at 9 and Hevosist at 4. So as we can see LTR won the match fair and square and we thank them for taking part in our Valorant Daily Scrims or sponsored by LFG India. Over to you, Rift. So that's all for this particular match. But do stay tuned, guys. We have another match coming up within 10 to 15 minutes. Just stay tuned and we'll be back with another match for today. Okay, we'll be like pretty soon. So stay tuned, guys. We'll be back and we'll be texting you as soon as we are live on the chat. So stay tuned.